हे hey दोस्तों, अगर मैं बात करूं आधार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो बेसिक तो यहां पे आपने सुना होगा कई बार कि आधार के ऊपर लोन मिलता है। तो आधार के ऊपर किस तरीके से लोन मिलता है, यही प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर मैं कन्वर्ट करने वाला हूं आपको। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आधार के ऊपर लोन जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। ये आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का नाम है जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, और यहाँ पर लोन मिल सकता है आपको किसी भी होम के लिए। पर्सनल लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, होम इम्प्रूवमेंट लोन मिलेगा, घर को बनवाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए वगैरह वगैरह जो भी होते हैं आपको वहां पे लोन मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या हो गए डॉक्यूमेंट्स, किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट यहां पे होगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना टेनवर, आज के इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक ये सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। और शुरू से लेकर के आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा ना देखें तो काम की जानकारी मिस कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों अगर मैं बात करूं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, तो वैसे तो यहां पे अगर मैं बात करूं आई वांट टू अप्लाई का बटन आपको ऊपर ही मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लिंक पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किस तरीके का लोन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर अ होम लोन, जी हाँ होम लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लोन फॉर प्लाट लोन अगर लेना चाहें, होम इम्प्रूवमेंट के लिए होम एक्सटेंशन लोन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेट सपोज हम होम लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे होम लोन के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने उस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है, मेरे सामने एक चीज़ निकल के आ गई है जिसे कहते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन ही आपको फिल करना है। सबसे पहले आएगा आपका नाम, जो कि कंप्लीट नेम डालना है आपको। उसके बाद डालना है अपना ईमेल आईडी डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर वो डालिएगा जिस नंबर पे आपको कॉल भी किया जा सके और जिस नंबर पे कॉल आ सके। दोस्तों अगर मैं बात करूँ लैंडमार्क की, तो लैंडमार्क भी आपको डालना है। इसके साथ में आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी दिन महीने तारीख के साथ में, जैसे कि यहाँ पे दिन है 2 तारीख और यहाँ पे महीना है फेब का, और इसी तरीके से आपको जो भी ईयर है वो चूज़ करनी है आपकी। और जैसे कि आपने जो भी ईयर है आपका वो चूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको अपना राज्य डालना है, जैसे कि आपका यहाँ पे बिहार से आप आते हैं, तमिलनाडु से, राजस्थान से, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल, कहीं से भी आप आते हैं वो डालना पड़ेगा। साथ में आपको डालना होगा पिन कोड, आपके एरिया के हिसाब से आपको लोन की राशि कितनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लोन की राशि का भी ऑप्शन आता है, 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के बीच में चाहिए, 5 लाख से 10 लाख के बीच में चाहिए, 10 लाख से 15 लाख और 15 से 25 और 20 से 25 लाख के बीच में भी आप यहां पे लोन ले सकते हैं। जो भी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मासिक आय आपकी कितनी है, 15,000 से कम है, 15 से 30,000 है, 30 से 50,000, 50 से 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे आपकी राशि जो होगी वो आपकी लोन की जो राशि है वो आपकी सैलरी पे ही डिपेंड करेगी। इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रेफर्ड टाइम टू कॉल, यानी कि किस समय पर आपको कॉल चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट से कॉल करेंगे वो किस टाइम पर आपको कॉल चाहिए, वहाँ पर आपको डालना है प्रेफर टाइम, जैसे कि 9 से 11, और उसके बाद आई वॉन्ट टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है आपको। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे वहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आपके पास में कॉल आएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो कॉल के पर ही आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर कोई भी ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं करी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आपको लोन मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो इस वीडियो में दी गई है उस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई भी सवाल, अगर आपका अभी भी कोई सुझाव रह गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मैं 24 घंटे के अंदर आपके कमेंट्स का रिप्लाई 110% करूंगा। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।